तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 2.2 का यार थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है सारी चीज़ें समझेंगे, सॉल्व करेंगे यार डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है यार आपकी अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में। चलो अभी इन क्वेश्चन को हम देखते हैं है क्या, फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है भाई आपका कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, तो ये जो आपके थ्री पार्ट्स दिए गए हैं, हालांकि इसमें और भी पार्ट्स हैं बट अभी मैंने यहाँ पर थ्री पार्ट्स ही लिए हैं। तो ये आपको चेक करना है कि भाई ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 1/3 दी गई है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4/5 दिया है और वहाँ पर एक्स की दो वैल्यू दी गई है 1 और -1। तो कह रहा है कि भाई चेक करो कि ये जो भी वैल्यूज हैं क्या इस जो भी पॉलिनोमियल्स हैं इनके साथ में उनकी ये जीरोज़ हैं कि नहीं। अब जीरोज क्या होते हैं इसको समझ लो सबसे पहले, मीन्स की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर किसी पॉलिनोमियल में उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो जो भी नंबर से वो जीरो हुआ है ना उसी को पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि पी एक्स इक्वल में क्या दिया है, 3x+1 दिया है भाई, x इक्वल में -1/3 दिया है ना। तो इसमें करना क्या है आपको भाई, x की वैल्यू इसमें रख करके देख लो, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी ना तो ये जो आपका दिख रहा है ना वो क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, और रख के देखते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है भाई, अब जहाँ जहाँ पर क्या है भाई आपका x है वहाँ वहाँ पर -1/3 रख दो, इनमें नहीं, ध्यान देना इसमें नहीं, इनमें आपको करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी माइनस का 1/3 है और यहाँ पर भी -1/3 करते हैं +1। देखो इसके अंदर बाहर पता है कि भाई मल्टीप्लाई होता है अगर ब्रैकेट है तो, ठीक है, और ऊपर वाले में अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये भी पता है कि भाई नीचे वाले में डिवीज़न होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा, बचा यहाँ पर -1 भाई साहब बचे, और ये कह रहे हैं कि भाई हम भी साथ में आते हैं तो साथ में आ जाए। अब ये दोनों सेम तो हैं लेकिन ये अपोजिट हैं, अब अपोजिट हैं लड़ेंगे आपस में तो क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सेम ही है, अभी सेम पावर के दो लोग लड़ें आपस में तो कौन जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा, मींस कि दोनों की जो भी जीरो होगी वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। और यही चीज़ अब देखो मैंने कहा था पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है ना तो जो भी हमने वैल्यू रखा हुआ है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, यानी कि जो एक्स की वैल्यू -1/3 थी इस पॉलिनोमियल की जीरोज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस एक्स इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या, इस पॉलिनोमियल को भी आप लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल में 3x+1। कहाँ दिक्कत हुई, कहीं नहीं, ऐसे ही यार इसमें भी करना है, ऐसे इसमें भी करना है, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे ही करने हैं, कराऊंगा सब, टेंशन मत लेना, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कुछ बच्चे होंगे जिनको की दिक्कतें आएंगी तो मैं सब कराऊंगा क्वेश्चन। ओके, जैसे यहाँ पर है देखो 4/5 किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ हम अब क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है, जहाँ जहाँ पर एक्स दिया है वहाँ वहाँ पर हम 4/5 कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 5 है यहाँ पर, 4 नहीं शायद आपका यहाँ पर पाई दिया गया था, देख लेना भाई, ठीक है, अगर 4/5 दिया रहा होगा तो भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा, अगर π/4 दिया रहेगा 5/5 तब भी आपको ऐसे ही करना है। अब देखो मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर पाई होगा ना तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, और 0 आ जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा, बट हो सकता है कि आप 4 भी रहा होगा, मैं गलत क्वेश्चन लिख लिया होगा तो देख लेना अपना। तो यहाँ पर अभी तो मैं पाई ही लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर 5 था आपका एक्स की वैल्यू, यहाँ पर 5/5 रखेंगे, माइनस का पाई हो गया, यहाँ पर भी देखो 5 से 5 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, पाई माइनस का पाई, अब देखो यहाँ पाई माइनस पाई बचा, इसीलिए मैं अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर पाई होगा, बट हो सकता है कि 4 ही रहा हो, क्या पता। ठीक है, अब जो क्वेश्चन लिख लिया हूँ सॉल्व करते हैं, उसी से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बस यार। ठीक है, तो यहाँ पर पाई माइनस पाई होगा 0, अब भाई यहाँ पर भी दो बराबर लोग लड़ रहे हैं आपस में तो लड़ेंगे तो 0 होगा ही, तो यहाँ पर ये क्या हो गया भाई,
x की वैल्यू अगर पाई अपॉन 5 है तो वो इसका जीरोज होगी, तो यहां हम लिखेंगे हेंस पाई अपॉन 5 या फिर x इक्वल टू, ठीक है, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल में 5x माइनस का पाई, हो गया। अब यहां पर आपका आता है थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत होती होगी, कुछ बच्चे तो समझ भी गए होंगे यार। यहां पर x की दो वैल्यू दी गई है, x की एक 1 है एक माइनस 1 है। सिंपली आपको क्या करना है यार, एक बार x की वैल्यू 1 रख करके देख लो, एक बार माइनस 1 रख कर देख लो, ठीक है। जिनकी वैल्यू रखने पर जीरो आएगा वही उसका जीरो हो जाएगा, अगर दोनों का रखने पर जीरो आता है तब तो फिर दोनों के जीरो होंगे। ओके आओ देखते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, पहले पुट x इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर p 1 x की जगह पर 1 स्क्वायर माइनस का 1 है ना, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 यहाँ पर जीरो आ गया, इसके लिए तो भाई जीरो आ गया। अब माइनस 1 भी रख करके देख लेते हैं, आओ तो यहाँ पर पुट x इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पर p माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पर भाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मैंने बताया कि किसी का भी अगर नेगेटिव में उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 1 है ही तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस का 1 और यहाँ पर 0 हो गया। देखो दोनों की दोनों वैल्यू रखने पर क्या आ रहा है, 0, यानी कि x की वैल्यू जो 1 एंड माइनस 1 है ना, दोनों किसके जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो हम लिख देंगे हेंस x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 ए आर, ठीक है, पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगा यार, यहां पर आपका रहेगा जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस 1। हो गया आपका क्वेश्चन यार सॉल्व, कहीं पर आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इसके जो आगे के पार्ट्स होंगे ना उसको लगाना मजा आएगा, गारंटी, ठीक है। बट मैं बता दिया हूँ ना कि भाई सारे सॉल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वाले मैं कुछ होमवर्क में दिया था, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर आपको दिक्कत होती है तभी मैं बताऊँगा, नहीं तो बताऊँगा नहीं। ओके तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होंगे, बट कोई बात नहीं, अगर डाउट भी होते हैं तो डाउट होना अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा यार। ओके बाकी जो पिछले क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उसको मैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के देख लेना यार, जो भी आपको नहीं आता होगा। ओके तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।